वैसे तो रंगों का त्योहार होली आने वाले 25 मार्च को मनाया जाएगा, पर अपने अनोखे दस्तूर के चलते धमतरी जिले के सेमरा गांव के लोग हफ्ते भर पहले ही होली मना चुके हैं। हफ्ते भर पहले ही त्योहार मनाने की सदियों पुरानी इस परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है। दरअसल वक्त जरूर बदला है, लेकिन सेमरा गाँव के दस्तूर आज भी कायम है। जी हाँ, धमतरी से करीब 35 किलोमीटर दूर सेमरा में हफ्ते भर पहले ही होली का पर्व मना लिया गया है। दूसरी जगहों की तरह ही इस गांव के हर घर में खुशियां बिखरी और अबीर गुलाल के रंगों से फिजा सतरंगी हो गई। धमतरी के इस गांव में हफ्ते भर पहले ही त्योहार मनाने का अनोखा दस्तूर है। अब वो चाहे फागुन हो या फिर दशहरा दिवाली। ग्रामीणों के मुताबिक एक दास्ता है कि सदियों पहले गांव के देवता सिद्धार्थ ने सपने में कहा था कि हर त्योहार मनाने के पहले उन्हें होम धूप देना जरूरी है, जिसके चलते आज भी गांव के लोग अपने गांव के देवता को खुश करने के लिए हर त्योहार हफ्ते भर पहले मनाते आ रहे हैं, जो अब एक परंपरा बन गई है। आ रही है, हमारे दादा बाबा पिताजी सब चले गए मनाते मनाते इसको। क्या कारण मनाया जाता है कि एक सप्ताह पहले यहाँ को त्योहार मनाया जाता है? कारण वही बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक इष्ट देवता है सिद्धार्थ देव, उसी के पूजा के, वो महान आदमी था, ये गांव का कहीं से आया था। जो ये गांव पहले जंगल हुआ करता था, वहाँ जंगली जानवरों के आतंक से गांव भयभीत थे, और बाहर से आए थे सिरदार, वो शेर से लड़ाई करते करते वो वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर रात को पुजारी को सपने में आया कि मेरा आदि पहले पूजा करो और त्यौहार मनाओ, फिर गांव में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आने दूंगा, यही बोला था। तब से परंपरा चली आ रही है। एक बार हमारे पूर्वजों ने तोड़ने की कोशिश की, तो दिवाली आदि एक साथ मना दिए तो गांव में अनहोनी होने लगी। उस दिन से फिर प्रण कर लिए कि 8 दिन पहले ही ये त्योहार मनाएंगे। भले ही आज के जमाने के लोग इस पर यकीन ना करें, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा नहीं करने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। जबकि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाय आस्था से जोड़कर देखता है और इसे आगे संजोए रखने पर यकीन करता है। युवाओं का कहना है कि इसे पुराने दस्तूर के बहाने उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने और मेहमान नवाजी का मौका मिल जाता है, जो यहाँ त्योहार देखने आते हैं। तो पुरानी ही है, हमारे पिताजी लोग सब मनाते हैं, यहाँ पिताजी बैठे हुए हैं और हमारे दादाजी तो सब चले गए, और वो लोग भी नहीं बता सकते कि कब से मना रहे हैं। तो हम लोग उसकी परम्परा का निर्वहन कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है एक सप्ताह पहले मनाना हम लोगों को। तो ये जो अलग तरह की प्रथा है, इसको लेके आपका गांव भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो कभी आप बाहर जाते हो तो इस सब चीज़ों को आप लोगों को बेनिफिट मिलता है? कुछ बताते होंगे कि नए अलग तरह के गांव से आप लोग जाते हैं? हाँ, हम दूसरे गांव जाते हैं ना, दूसरे गांव के लोग पूछते हैं हमको और हम बोलते हैं ना हमारे गाँव आ जाइए, तो वो लोग हमको देखने के लिए आते हैं, बिना बुलाए भी देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग आस पास 50 किलोमीटर के एरिया से हैं, बिल्कुल पूछते पूछते आते हैं हमारे गाँव में कैसा है इसका गाँव का, ऐसा करते हैं। मेरा नानी गाँव है, मैं हर साल यहाँ त्योहार मनाने आती हूँ होली का। क्या परंपरा है यहाँ की, कितने दिन पहले त्योहार मनाया जाता है? यहाँ परंपरा है कि जैसे त्योहार को ना एक हफ्ता पहले मनाते हैं, क्योंकि यहाँ मान्यता है कि यहाँ मतलब त्योहार एक हफ्ता पहले मनाना है ऐसा करके। इसके पीछे कारण क्या बताते हैं, क्या सुने आप बुजुर्गों से? अब बुजुर्गों का मतलब बुजुर्ग जो मनाते हैं वो हम लोग मना रहे हैं, अब आगे का क्या है वो तो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी का है। कईयों ऐसी किवंदतियाँ होती हैं, कईयों ऐसी मान्यता होती हैं, आज युवा पीढ़ी है, आप तो भी इसको मान रही है, क्या लगता है कि पुरानी चीज़ों को मानना जरूरी भी होता है? लेकिन ऐसा है कि पुराना चीज है ना, उसको मानना भी पड़ता है। कई कई ऐसा होता है कि हम लोग मानते हैं उसको, कई चीज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। वैसे तिथि से पहले त्योहार मनाए जाने की वजह से ये गाँव भी काफी मशहूर हो गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। त्योहार के तौर तरीकों के बारे में इस गांव की महिलाओं का कहना है कि दूसरी जगहों की तरह ही अल सुबह से भी इसकी तैयारी में लग जाती हैं। बाद में पूजा पाठ के साथ पूरा परिवार और गांव के लोग खुशी के उत्सव में शामिल हो जाते हैं।